नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल दा गुरुजी अगर आप पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिजिकल एजुकेशन हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसको हमारे देश में ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन आज इसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन का यह क्षेत्र भी दूसरों की तरह ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भारत एक ऐसा देश है जो विशेष रूप से विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और केवल डॉक्टरों और इंजीनियरों का ही उत्पादन करता है, पर फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। और इस देश में कई संस्थान हैं जो फिजिकल एजुकेशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं, जहाँ से पढ़ के आप अपने करियर को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। वैसे तो 400 से अधिक कॉलेज बीपीएड एमपीएड जैसे फिजिकल एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ बेस्ट कॉलेज के बारे में बताएंगे जहाँ आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है, वो भी कम फीस में। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही 10 सबसे बड़े संस्थान की लिस्ट लेकर आई, जिसमें मैं आपको उनके नाम, उनकी लोकेशन एंड वहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं ये सब बताने वाली हूँ, और साथ में उनकी फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। दोस्तों ये तो बिल्कुल फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एंड इस लिस्ट में से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम केरला। ये संस्थान 1985 से स्थापित है और इंडिया फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ से आप एमपीएड, बीपीएड, एमफिल एंड फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है, इसीलिए यहाँ की फीस काफी मामूली है और औसतन प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के करीब है। मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। यह संस्थान शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बीएससी, बीपीएड, एमपीएड और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है। यह इस क्षेत्र के सबसे पुराने संस्थान में से एक है, जहां पर फीस बहुत ही मामूली है और प्रति वर्ष 7,000 रुपए से कम है। इसके अलावा इस संस्था का विशेष जो आकर्षण है वह यह है कि हॉस्टल की सुविधा किसी भी सरकारी संस्थान की तुलना में काफी बेहतर है। यहाँ कैंटीन में खाना किसी विशिष्ट खिलाड़ी जैसा होता है और सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की सभी प्रकार की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके। एमटी स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस नोएडा। फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ये सबसे अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इस संस्थान की शिक्षा की गुणवत्ता कुछ ऐसी है जिससे कभी समझौता नहीं किया जाता है। आपकी पसंद के खेल के बावजूद ये संस्थान सुनिश्चित करता है कि आपको इस पर काम करने और अपने खेल की क्षमता में सुधार करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश दी जाए। इस संस्थान में प्रवेश प्रैक्टिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर ही दिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसकी फीस गैर प्रायोजित पाठ्यक्रम के लिए 35,000 रुपए, जबकि प्रायोजित लोगों के लिए 52,500 रुपए। बीपीसीएस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुंबई। इस संस्थान से आप बीपीएड, एमपीएड, एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। इस संस्थान में आपको बीपीएड की फीस लगभग 15,000 एंड एमपीएड के लिए लगभग 30,000 प्रतिवर्ष रुपए है। मुंबई के क्षेत्र में स्थित होने के कारण संस्थान के अपने फायदे हैं। इस संस्थान के छात्रों को देश के कुछ बेहतरीन खेल बुनियादी ढांचे से अवगत कराया जाता है, और ये सब देखते हुए ये कहना उचित है कि इस कोर्स की फीस काफी हद तक अच्छी है। चंद्रशेखर अंगाशे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूना। यह कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसके अलावा शिक्षक से छात्र अनुपात अत्यधिक प्रशंसनीय है, जो बदले में अधिक व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के मार्ग को बढ़ावा देता है। यहाँ फीस भी बहुत ही मामूली है और 20,000 रुपए से कम है। इसके ऊपर योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। वीएनएस कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज भोपाल। यह कॉलेज देश में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्राइवेट संस्थान है। 80 छात्रों को छात्रावास में रहने के कारण यह संस्थान शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बीपीएड और एमपीएड दोनों ही कोर्स प्रदान करता है। फीस इसकी 25,000 रुपए प्रतिवर्ष। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर। इस पाठ्यक्रम का मुख्य आकर्षण इसमें शामिल पारदर्शिता है, प्रबंधन काफी जिम्मेदार है। इस संस्थान में प्रवेश एक लिखित परीक्षा के माध्यम से होता है, इसके बाद एक शारीरिक प्रशिक्षण और एक चिकित्सा परीक्षा होती है। संस्थान के शानदार पूर्व छात्र में
अंतरराष्ट्रीय कोच, फिटनेस ट्रेनर, राजगुरु जैसे खेल पत्रकार शामिल हैं। महिला से पुरुष अनुपात भी काफी सराहनीय है और 1:2 पर है। इसकी फीस आपके लिए 17,500 रुपए प्रति वर्ष है। ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे अनुशासित संस्थानों में से एक है। व्यवहारिक कक्षाएं सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक शुरू होती हैं और इसके बाद 2 घंटे चलती हैं। थ्योरी की कक्षाएं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक हैं। शुल्क संरचना बहुत ही मामूली है और प्रति वर्ष 15,000 रुपए से कम है। यहां से आप पीपीएड और एमपीएड दोनों ही कोर्स कर सकते हैं। ज्योतिबा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नागपुर 1991 में स्थापित इस कॉलेज ने बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखा है। सभी खेल सुविधाएं और कक्षा की सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ से भी आप पीपीएड एमपीएड दोनों कोर्स कर सकते हैं। यहाँ की फीस लगभग 25,000 रुपए प्रति वर्ष है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बेंगलोर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु यहाँ की फीस स्ट्रक्चर 7,570 रुपए प्रति वर्ष है। इस संस्था के पास अद्भुत खेल और अवसंरचना है और पुस्तकालय की सुविधा भी उतनी ही सराहनीय है। खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन बुक्स तक उनकी पहुंच है। इस संस्थान के छात्र अक्सर इस लिस्ट में बताए गए कई अन्य संस्थानों के शिक्षक बनते देखे जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें ज्यादातर कॉलेज में एडमिशन मेरिट और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर ही होता है। सबसे पहले आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा करना होगा जिससे आप एडमिशन टेस्ट दे सके। अगर आप एडमिशन टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर काउंसलिंग एंड मेडिकल टेस्ट होता है जिसके बाद आपका एडमिशन होता है। मुझे लगता है कि मैं आपके पास अपनी बात सही तरीके से पहुंचा पाई हूं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आपको पता ही है कि आपको मुझसे कैसे पहुंचना है और मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूं। चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना करूं, बस आपका काम सब्सक्राइब करना है, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।